दोस्तों, अगर आपका अकाउंट IDBI बैंक और आपने अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाह रहे, तो आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी IDBI बैंक के ब्रांच में या फिर ATM मशीन में नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। कैसे करेगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको IDBI बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप को ओपन करना होगा, उसके बाद आपको इसको एक्टिवेट भी कर लेना होगा। एक्टिवेट वगैरह कैसे कि हम एक अलग से डिटेल पूर्वक वीडियो कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद यहां से आपको अपना MPIN डाल करके इसमें आपको लॉग इन कर लेना होगा। तो लॉग इन करने के बाद कुछ आपको देखिए ऐसा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, देखिए 3 लाइन का, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाए देखिए माई प्रोफाइल का और एक प्रोफाइल सेटिंग का, दोनों में से आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। हम माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर का, और बलग में आपको ऑप्शन मिलेगा पेंसिल का भी, आपको इसी पेंसिल के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे पेंसिल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने का जो ऑप्शन होता है वो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पहले से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो ये वाला लिंक है, आप देख सकते हैं। और देखिए बोल रहा है कि न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप जो भी अपना नंबर ऐड करना चाहते हैं अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे डालना होगा, और आपको अपने आधार कार्ड का लास्ट का देखिए 6 डिजिट आपको डालना पड़ेगा। चलिए आपको फटाफट डाल करके उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। तो सबमिट के ऊपर भी क्लिक करके दिखा देते हैं। उसके बाद क्या आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले मिलेगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि यू आर श्योर यू वांट टू प्रोसीड हेड न्यू मोबाइल नंबर, अर्थात आप श्योर हैं आप अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं, इस नंबर से इस नंबर को अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो यहां से कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। आप देख सकते हैं हम अपना OTP डाल दिए। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि आपको अपने डेबिट कार्ड का कुछ डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने ATM कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपके पास ATM कार्ड रहेगा ये डिटेल को वेरीफाई कराने के लिए। उसके बाद आपको अपना एक्सपायरी डेट ATM कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना ATM पिन डालना होगा। जब ये सभी डिटेल डाल देते हैं उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो नंबर आप डालें उस पर एक OTP सेंड किया जाता है। अपना OTP जब डाल देते हैं उसके बाद यहाँ से आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल चेंज हो जाता है, लेकिन चेंज होने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2 वर्किंग डे का टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना होगा। 2 वर्किंग डे के अंदर में आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। तो आप यहां से अपना IDBI बैंक के अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल नहीं करना है, केवल आपको दिखाने के लिए बताने के लिए यह वीडियो हम कर दिए। अगर आपको करना तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने अकाउंट के साथ अपना मोबाइल नंबर को चेंज अपडेट कर सकते हैं, न्यू नंबर को ऐड कर सकते हैं अकाउंट के साथ। तो जैसा कि अभी आपने देखा तो कुछ इस प्रकार से आप IDBI बैंक के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग से अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। पहले इसमें यह सर्विस नहीं था, इसको अपडेट कर दिया गया है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। लगभग देखिए कुछ बैंकें ये सर्विस दे रही है कि आप अपना ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट IDBI बैंक में, तो कुछ इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यह छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, आपको हम वहाँ पे भी जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।